और ये अलेक्जेंडर के वंशज कहलाते हैं। एडवेंचर हो गया। हाँ, ये जमकदनी ऋषि कितना पुराना और कितना खूबसूरत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई होप सब बढ़िया होंगे, झकास होंगे। तो भाई दोस्तों, मैं अब जा रहा हूँ मलाना ब्लेज। मलाना ब्लेज भाई बहुत ही अलग गांव है, अलग ब्लेज है, उसके बारे में आगे मैं जानकारी दूंगा। और अभी खूबसूरत वादियों के रास्ते से होते हुए निकल रहे हैं हम मलाना ब्लेज के लिए। इन भाई के साथ मैंने ये टैक्सी बुक करी है, अपने टागला जो जगह थी वहीं से डायरेक्ट अप एंड डाउन, यानी कि पिक अप एंड ड्रॉप। तो मिलते हैं मलाना ब्लेज, वो एक्सप्लोर करते हैं। और कल आई होप मैं जाऊंगा खीर गंगा ट्रैक के लिए, तो भाई तैयार रहिए, सब बढ़िया होंगे। नाली और ससोल में भाई अभी थोड़ी दिन पहले फ्लड आया था, और ये पार्वती नदी जो है ये साइड में, उस नदी ने ये सारी जो घर के नीचे की रोड थी ना, तहस नहस कर दिया था। अभी भी रास्ते में ना काफी सड़क टूटी हुई है, उसके निशान मिल रहे हैं यहाँ पर। और अभी चलते चलते भी भाई आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी खाने के लिए और घूमने के लिए भी। चलते पहले मलाना ब्लेज को एक्सप्लोर कर। और भाई यहाँ पर रेव पार्टी भी होती है रात में, अगर आप रेव पार्टी करना चाहते हैं तो भाई रेव पार्टी भी हो जाती है। थोड़ा सा आपको वहाँ पर घूमना पड़ेगा कि कहाँ पर एक्चुअल में हो रही है, आप ये आकर यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कहाँ चल रही है। वो रात में होती है ज्यादातर। मेन रोड से मलाना रोड के लिए हमने एंट्री कर ली है सीधे गाँव की ओर, और दिखाते हैं कि मलाना ब्लेज कैसा है। वो लिख रहा मलाना हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो लेट्स एक्सप्लोर द मलाना ब्लेज। मलाना वाले मतलब लड़कियों की शादी की बात कर रहा हूँ, कि शादी मतलब वो अपने ही गांव में करते हैं या मतलब इधर भी कर ले? अभी इधर भी कर लेते हैं। पहले नहीं करते? पहले नहीं करते। ये था कि पहले ना जो मलाना वाले लोग थे बिल्कुल कट ऑफ थे इधर से, वो अपने ही गांव में खुश रहते थे, हर चीज अपने ही गांव में करते थे। लेकिन अब भाई जैसे बता रहे हैं ना कि अब थोड़ा सा उन्होंने मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा ये है बातचीत भी करने लग गए। उन्हें अपनी चीजें छूना ना गवारा है भाई, उनको पसंद ही नहीं है चीजें ना छूना, इनके घर को नहीं छूना, क्योंकि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज कहलाते हैं, जो कि वो मानते हैं। अब भाई ये कितनी सच्चाई है इस बात में, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता। दूसरा, बाहर का बंदा उनके घर को छू ले तो वो अपवित्र हो जाता, जिसके लिए उन्होंने फाइन रख रखा है 5,000 रुपीज। तो भाई ये है मलाना ब्लेज की हिस्ट्री, तो अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये कुछ ऐसा नजारा सामने, और देखो झरना चल रहा है, बहुत छोटा सा पतला सा, बहुत बड़ा खूबसूरत लग रहा है भाई वो झरना। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है ये मलाना ब्लेज का ट्रैक। अब चलिए नीचे हैं, इधर से नीचे ये लगभग 1 घंटे का ट्रैक है, और देखते हैं भाई कितना टाइम लगता है। 1.5 घंटा का टैक्सी वाला बोल रहा था अपने मुंह से। अभी उधर से चढ़ाई भी करनी है, और आई होप मैं ठीक रास्ते पर चला जाऊं। वैसे तो मेरे पास कुछ सामान है नहीं, बस मैं खाली ना बैग हो गया है, सिर्फ अभी ये पानी की बोतल मैंने ले ली है, तो आई होप सब बढ़िया रहेगा। पानी की बोतल पी के तभी मैं खत्म कर दूंगा उधर से ना। तो भाई मैं जैसे बता रहा था ना कि मलाना ब्लेज में क्या है कि आप इनके सामान नहीं छू सकते, और ये अलेक्जेंडर के वंशज कहलाते हैं। तो ये इसलिए किसी के बाहर वाले को उनके घर और उनके चीजों को छूना ना अपवित्र मानते हैं। तो भाई ये, और अगर कोई छू ले गलती से उसको 5,000 का फाइन। तो भाई ये बहुत बड़ा दुविधा है, यहाँ पर चीज का बहुत ध्यान रखना आप जब भी आओ इस ट्रैक को। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता बता रहे, 1.5 घंटा। अब वो टैक्सी वाला 1.5 घंटा बता रहा है, आई होप मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं 2 घंटा मान के चलता। वो ट्रैक प्योर ट्रैक, खतरनाक वाली चढ़ाई है। वो मैं बैग नहीं लेकर आया, बैग लिया था ना कांड हो जाना। सूरत नजर है इधर, ये देखिए भाई खड़ी चढ़ाई है, एकदम बैंड बज गया इतनी देर में, ये देख लो ऐसी ये खड़ी चढ़ाई है। वहां से मैं करके आ रहा हूँ नीचे से, हालत खराब हो गई बिल्कुल, मतलब लबे लगा लो 180 कह सकते हो तुम इसको। और इतनी देर में शायद मुझे 20 मिनट हुए होंगे अभी चले हुए, और हालत खराब हो गई। अभी तो 1.5 घंटे का और है, पता नहीं क्या होगा आगे। लेट्स बिगिन द जर्नी, और लेट्स वेट फॉर माय हालत। अब मेरी क्या हालत होने वाली है वो पता नहीं यार। ये देखो मौसम देख लो, खतरनाक है यार, लोकेशन एक नंबर। चलो दोस्तों अब मिलते हैं आगे, कहीं वेट करूंगा फिर से, फिर आपसे बात करता हूं। 40 मिनट चलने के बाद मैं लगभग थोड़ा सा क्लोज आ चुका हूं, वो है सामने अब गांव, और ये रास्ता जा रहा है सीधे ऐसे करके अभी इतना, और वो जो सामने आपको ये ट्रैक दिख रहा है ना कट्टों का रखा हुआ है शायद, वो वहाँ पे ब्लेज जाना तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इतने में ही ना हालत खराब हो गई है। चल बिल्कुल 180 डिग्री समझ लो, बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई थी यार, हालत खराब हो गई इतने में। अब चलते हैं ऊपर और फिर बताते हैं आगे। भाई ये देखो जगह क्या खूबसूरत है, और ये ब्लेज आ गया यहाँ पे, एक नंबर जगह है ना। और ये एक भाई मिले मुझे, ये बैंगलोर से है और सॉफ्टवेयर फील्ड में ही है। अब हम दोनों एक साथ ट्रेल कर रहे हैं, हल्का हल्का सा फॉग भी आ चुका है, ये देखोगे ध्यान से तो।
अब मिलते हैं सीधे आगे गांव में। भैया ये लास्ट टच है, और लास्ट टच है, और बस इसके बाद विलेज स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये आ गया विलेज बिल्कुल क्लोज में, और भाई बिल्कुल ये रिमोट एरिया में, बिल्कुल दूर शोर शराबे से दूर, बिल्कुल भाई ये किनारे से रहते हैं, बिल्कुल रिमोट एरिया से, क्योंकि इन्हें भाई ये कट के रहने का अलेक्जेंडर, जैसे मैंने बताया था अलेक्जेंडर के पीढ़ी के हैं, तो जने दूर रहते हैं। ये अपन चुप रहेगा। ये दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 3500 रुपए फाइन है, और ये देखो बहुत पुराना लग रहा है, इस पे कुछ कारागिरी भी करी गई है। और ये है विलेज जमकदनी ऋषि, आप जानते हो जमकदनी ऋषि कौन थे? परशुराम के फादर, राइट। 5500 द्वारा बनाई हुई टेम्पल है ना, तभी बहुत पुराना भी लग रहा है। ये जो कलाकारी इस पे करी गई है ना, वो बहुत ही पुरानी है। भाई इस घर का आर्किटेक्चर बिल्कुल ही अलग है, कितना पुराना और कितना खूबसूरत। कोई किसी आकार भी बन रहा है इस पे किसी चीज का, और सेक्स से रिलेटेड उस पे आप देखोगे तो यहाँ पे भाई किसी चीज को छू नहीं सकते आप, जो कि इनके लिए पाप है, और फिर वो जुर्माना देना पड़ेगा फालतू में, उसके लिए अलग ड्रामा होगा, पंचायत होगी। तो उससे अच्छा है अब चुपचाप निकल जाए गांव को एक बार एक्सप्लोर करके। बिल्कुल रिमोट एरिया है भाई। कुत्ता देखो भाई, ये कुत्ता कितना जर्मन शेफर्ड है, मेरे पास भी था कभी। ये तो बच्चे यहाँ पे देखो भाई खेल रहे हैं, और जिस हिसाब से मुझे दिख रहा है यार, ये काफी ओल्ड है यार, काफी ब्राइड है, काफी दूर है। आई थिंक ये पढ़ने लिखने में भी काफी स्लो होंगे, और जिस हिसाब से ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, ऐसे ही काफी पीछे हो जाएंगे भाई, बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि भाई ये आज का युग के हिसाब से जो पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, उसके हिसाब से बहुत पीछे हैं ये, बहुत पीछे हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चे काफी, मैं देख रहा हूँ कि खेल रहे हैं, मेरे को जज मत करना, मैं जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, इसमें कोई जज मत। ये शायद ग्राम पंचायत है, एरिया है ग्राम पंचायत का, और ये जगह देखो बहुत पुरानी लग रही है। तो दोस्तों ये है ग्राम पंचायत एरिया, गांव का मेन एरिया। भाई यहीं पर मुकदमे जो है किसी पर्सन पर गांव के किए जाते हैं, और वहां पर उनका फैसला लिया जाता है। यहां पर भाई पुलिस और कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होता जो हमारी लाइफ में होता है, तो ये गांव वाले ही आपस में फैसला करके उसका यहां पर निर्णय लेते हैं। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर किसी बाहर वाले बंदे पर भी कोई मुकदमा चलाना होता है, जैसे मान लो उसने घर छू लिया या फिर कोई और कंडीशन हो, तो भी उसका फैसला यहीं पर किया जाता है। और इस एरिया को देख के भाई ऐसा लगता है ये एरिया काफ़ी पुराना है, यहाँ के आर्किटेक्चर भाई बहुत डिफरेंट है, और काफ़ी पुराने घर लग रहे हैं, उन पे कलाकृतियाँ करी गई हैं, और भाई कुछ घर तो इतने पुराने लग रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों। और इस गांव में भाई कोई भी नहीं रात में रुक सकता है, लेकिन अगर आपको यार इसमें रुकना है, कहीं रुकना है, इसके आसपास रुकना है, तो आप इस गांव से थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, वहां पर भाई और इससे ही अच्छा नज़ारा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। और वहां पर भाई होम स्टे और सब कुछ आपको खाने पीने की चीज़ें मिलेंगे, और बढ़िया बढ़िया कैफे भी मिलेंगे। और ये दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है भाई, और मैं ये देख रहा हूँ चश्मे पे दिख रही होगी बूंदे, बारिश हो गई बहुत खतरनाक वाली स्टार्ट। अच्छा हुआ ये बारिश स्टार्ट हुई है ना, ये देखो बारिश पड़ रही है, जो स्टार्ट हुई है हमारे उतरने टाइम पे हुई है, और ये काफी तेज बारिश पड़ रही है। क्या होगा, लोगों के छाते निकल गए, लेकिन मेरे पास छाता ही नहीं है, भीग तो जाना पड़ेगा नीचे, बीमार ना। भाई ये कैसे लकड़ी लेकर आते हैं, इनकी मेहनत तो सलाम है। थोड़ी सी एनर्जी आ गई है क्योंकि भाई ऊपर से आ गए हैं, थकावट हो रही थी और गर्मी भी हो रही थी। हाँ गोप्रो तो ऑटोमेटिकली वाटर प्रूफ आता है, बारिश में चलता है ऐसे। हाँ गोप्रो की यही तो खासियत है, इसको तो अंदर लेके निकल जाओ स्विमिंग पूल के अंदर, इसकी यही तो खासियत है। ये देखो भाई आवाज सुनो ऊपर बारिश की, नाग वाली जा रही है बारिश, और इधर तो देख लो बारिश पड़ रही है, बूंदे पड़ रही है, बारिश हो गई स्टार्ट। अब यहाँ पर रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ से चलते हैं। भाई बारिश बहुत तेज हो गई है, बहुत तेज पड़ रही है ये बारिश, और अभी देखो कितनी तेज बारिश पड़ रही है। अगर पैर जरा सा कभी फिसला ना तो तुम नीचे गिर जाओगे। तो भाई यहाँ से बहुत रिस्क वाला एरिया हो गया ये, अब मैं उतर रहा हूँ यहाँ से नीचे, और ये पैर भाई देख देख के रखने पड़। आई होप आपको ये विलेज अच्छा लगा होगा, तो इसी बात पे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो को। कैब में चले जाएगा बचने के लिए ना, इधर देखो पहाड़ के ऊपर में छुप गए, ऐसे लग रही है गुफा देखो ये भाई, ये तो असली वाला ना वो एडवेंचर हो गया बिल्कुल। इधर से हम चढ़कर आए हैं भाई, बहुत ही खतरनाक ट्रेल था ये। ये देखो दोस्तों पानी में चलना पड़ा क्योंकि बारिश बहुत देर से चल पड़ रही थी, और पूरे गीले हो चुके।
ये देख लो बारिश होने के बाद कितना नाश्ते हो रही है। अभी भाई मैं बड़ी दृष्ट तरीके से आया हूँ, मतलब सारी ये वाली जो रोड है ना कीचड़ हो गई है, एक एक कदम फूस फूस के रखा है, तब जाकर यहाँ पर पहुँचा हूँ। भाई बहुत ज्यादा कीचड़ हो रही है, गाड़ियाँ फंसी पड़ी है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच रही है तब भी नहीं निकल पा रही है, तो इतना चिकनी मिट्टी है ना पूछो मत। और ये भाई बड़े गुस्से में बारिश हुई थी और ये पानी थोड़ा सा ना पड़ गया, ये देखो कितने खतरनाक तरीके से।